तो भाई आज अपने साथ है हंटर की 350। ये वाली हंटर आप लोग देख के समझ चुके होंगे कि कौन सी वाली हंटर है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो भी डाला था। और जब ये चक्राता वाले टूर मारा था ना, वो इसी से मारा था। और रॉयल इनफील्ड की सबसे वन ऑफ द बेस्ट बाइक मेरे को लगती है। रीज़न आप सब आप लोगों को पता है, पावर हो गए, फीचर हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रॉयल इनफील्ड की पुरानी गाड़ियों में नहीं आया करती थी, इसके अंदर आती हैं। और 2022 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली रॉयल इनफील्ड की जो गाड़ी है वो यही है। और वो क्यों है वो आज जानेंगे अपने टोनी भाई से, क्योंकि 2022 में जो सबसे ज़्यादा रॉयल इनफील्ड की गाड़ियाँ सेल हुई है ना, उसमें से कहीं ना कहीं नाम टोनी भाई हंटर का है। हाँ, 2022 में सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी है ना, सेल ऑफ द ईयर। हाँ, सेल ऑफ द ईयर कह सकते हो, रॉयल इनफील्ड की स्पेशली है ना, हंटर ऑफ द ईयर, हंटर ऑफ द ईयर भी कह सकते हो, चलो मान लिया। टोनी भाई ने गाड़ी ली थी तकरीबन एक साल पहले। और ये जो मैं ऑनरशिप दूंगा ना टोनी भाई का, तो मैं बता देता हूँ, ये गाड़ी जो बहुत से लोग ले रहे हैं, सबसे पहले उनका प्रेफरेंस है टूर, और टूर नहीं भी है तो कम्यूटर, एक डेली चलाना, जॉब से आना जाना, तो उन लोगों की हाँ सिटी के लिए कि कितनी ज़्यादा बेस्ट है कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें आज टोनी भाई बताएंगे। टोनी भाई, जब आपने गाड़ी ली थी एक साल हो गया तकरीबन, हाँ, एक साल हो गया, तो आपका पर्पस भी यही था, जॉब से आना जाना, ये ऑफिस से डेली थोड़ी बहुत पावर, थोड़ी बहुत पावर मिल जाए, हाँ, अच्छी खास पावर है, हाँ, और लोग ये भी ना कहें कि तूने एकदम स्प्लेंडर ही ले ली, मतलब एक रुतबा भी बना रहे बराबर। हाँ, इसके अलावा आपने कोई बाइक देखी थी? हाँ, मैंने मीटोर, मीटोर स्क्रैम्बलर वगैरह सब देखी थी। तो उन सबको छोड़ के इस पे कैसे मन बना आपका? स्क्रैम्बलर एक तो 2+ थी, हाँ, वो काफी महंगी हो रही थी, और मेंटेनेंस भी उनकी इससे ज्यादा ही थी, और पार्ट वगैरह भी नहीं मिलते, अगर ले भी लेता, हाँ, वो थोड़ा सा है, हाँ, थोड़ा सा उसका, और उसमें अलॉय नहीं थे स्क्रैम्बलर में, हाँ, अलॉय नहीं थे उसमें, तिल्लियां थी, हाँ, ट्यूबलेस नहीं थे, तो इस वजह से उसका नहीं है, समझ नहीं आया। तो ये भरोसा भी है, और 350 cc की मेरे को लगता है सबसे बजट में आने वाली गाड़ी है ये ना, मैं उससे पहले भी मेरे पे स्टैंडर्ड रह चुकी है, इलेक्ट्रा भी थी, तो इस वजह से रॉयल इनफील्ड का भरोसा है, थोड़ा भरोसा भी था, और एक रॉयल्टी भी आ जाती है, मेंटेनेंस भी नहीं है। चलो, एक चीज मैं जानना चाहूंगा टोनी भाई, अभी हम जब चक्राता गए थे, हमने मतलब कह सकते हो गांव दिराज में भी चलाई, सिटी में भी चलाई, पहाड़ों पे भी चलाई, माइलेज कैसी दी थी गाड़ी ने? अच्छी निकाली है, बढ़िया माइलेज, 30-32, 30-35, 30-32, और इतनी माइलेज एक नॉर्मल बंदे के लिए ठीक है इस गाड़ी के हिसाब से, 350 के हिसाब से। पावर वगैरह की कुछ कमी लगी थी? एक नंबर पावर इस चीज में, तो भाई मैं खुद मैंने आपने चला के देखी थी पूरा, एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो डाला है कि क्यों पहाड़ों के लिए बेस्ट है, वो आप लोग देख लेना, बहुत बढ़िया। तीसरे गियर पे भी रेस देने की जरूरत नहीं थी इसको, लीनिंग करो, कुछ भी करो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। टायर मेरे को लगता है इनफील्ड में सबसे बढ़िया टायर इसी में ही आ रहे हैं आज के टाइम पे। चलो, एक चीज है, फीचर का कोई कमी लगती है इसके अंदर की? हाँ यार, एक चीज होती तो ये अच्छा होता, ऐसे नहीं था, गियर की कमी है, छठे गियर की कमी उसका, वो तो कुछ लोगों को लगती होगी, जैसे अब जो टोनी भाई तेज चलाते हैं, हाँ, या मतलब ज्यादा चलाते हैं, नॉर्मल बंदे को इतना ज्यादा नीड नहीं है, उसमें आपको कोई 6 गियर जरूरत नहीं पड़ती। वैसे 5 गियर के हिसाब से ठीक है, पावर वावर बहुत अच्छी पावर है, क्लासिक होगी, स्टैंडर्ड होगी, उनसे काफी अच्छी पावर है, मीटोर से भी अच्छी है, मीटोर से भी अच्छी है, मतलब टेस्ट ड्राइव ली थी इसका, मतलब मीटोर भी चलाई थी, हिमालयन भी चलाई थी, मतलब इजी राइड के लिए ये है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, देखो भले ही हंटर हो, कोई सी भी हो, बुलेट हो, खर्चा तो वो कराती हैं, हाँ, पर उतना नहीं है, अगर आप इसके जगह अगर आप 2 लाख की स्पोर्ट बाइक खरीदते हैं तो, वही मैं मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब एक्चुअल में खर्चा कराती हैं या सर्विस वगैरह या कोई भी नॉर्मल? कितने तक की हो जाती है सर्विस लास्ट? अगर सर्विस भी तो 2000-2500 लास्ट। अब 350 cc की सर्विस इतने में हो रही है तो मेरे को लगता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा बेस्ट है, एक नहीं दो है, सबसे पहला इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट, हाँ, जो हर किसी को मुझे लगता है पसंद आएगा, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई तो एग्जॉस्ट लगवाना पसंद करता नहीं है, और लीगल भी नहीं है, और वो लीगल भी नहीं है, कुछ लोग लगवा लेते हैं, सीट कम्फर्ट में जानना चाहूँगा, सिंगल के लिए बेस्ट है, अगर मेरी तरह दो बैठे तो थोड़ा मुश्किल है बैठने, स्पेस थोड़ा सा कम है, बाकी कम्फर्टेबल बहुत है, कुशनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। देखो, हमने ओके, बिल्कुल, ये मान लो 300 किलोमीटर तक आप कंटिन्यूसली चला सकते हो बिना रुके, और ज्यादा ही बिल्कुल 100-150 चलाई थी, हाँ, 100-150 हमने बिना रुके चलाई थी एकदम गाड़ी को चलाने, हाँ, और स्लीपर क्लच नहीं आता उसके बावजूद भी गाड़ी ऐसी है स्मूथ, हाँ, स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है टोनी भाई? थोड़ा सा पीछे और रियर टायर में हल्का सा मतलब ब्रेक का है, 19-20 का, बाकी आगे से मतलब आपको निराश तो करेगी नहीं, निराश तो नहीं करेगी, 180 में ब्रेकिंग मारोगे तो रुक जाएगी। कुछ एक दो चीजें जो आपको इसकी बुरी लगती है? बुरी तो थोड़ी हीट, अच्छा हीट होती है एक्चुअल में, प्रॉपर हीट नहीं, मतलब अगर सिटी में आप चलाओगे जाम वगैरह में हीट करती है, अच्छा, हाईवे में नहीं आपको पता लगेगा, अगर गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सिटी में चला रहे हो जाम में अटक गए तो हीट थोड़ा हल्का फुल्का लगेगा, चलता हुआ 350 cc इंजन है तो थोड़ा तो, ये तो सिंपल सी बात है, 200 cc ऊपर जाओगे तो हीट तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ, वाइब्रेशन कुछ नहीं है, 80-90 तक तो कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई दिक्कत अगर नहीं, 100+ जाओगे तो हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत वो एडजस्टेबल है कि नहीं? हाँ, एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। टायर की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत आई अभी तक? बहुत अच्छा टायर है, एक पंचर नहीं हुआ एक साल में इसलिए बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा है। चलो, ये हैलोजन लाइट है, ये सब वगैरह का भी हैजार्ड सिस्टम है,
अच्छा ये चीज अच्छी है। हाँ, हजार्ड इसमें। ये देखो मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि बेकाम की चीज है, पर जब हम ग्रुप में निकलते हैं ना, टूर पे निकलते हैं, बहुत अच्छा है। तो एक सिंबल बना रहता है कि अपने ही ग्रुप का मेंबर है। नाइट में भी बहुत अच्छा है, हाईवे के लिए भी। बारिश वगैरह हो रही है साइड में, आपने गाड़ी लगा रखी है, तो वो चीज है। भाई लाइट की विजिबिलिटी जानना चाहूंगा, वो कैसी है इसकी? हैलोजन है, एलईडी नहीं आती, बट थरो बहुत अच्छा है। अच्छा है थरो, बहुत अच्छा थरो है, इसीलिए देख लो, भी अच्छा खासा थरो मारेगा। एक सेकंड, दिन में देख लो भाई इनका थरो कहाँ मार रहा है भाई। तो कहने लगे पर ऐसा दिख जाएगा, दिख रहा है, इधर दिख रहा है। अरे है, अच्छा है भाई। तो इसलिए आपने कोई लाइट भी नहीं लगवाई? नहीं, जेनुइन है, कोई इसमें अभी तक पार्ट बाहर से कुछ भी नहीं लगा, एक रुपया खर्चा नहीं हुआ बाहर, कोई भी नहीं। और अभी तक मेरे को लगता है कोई खर्चा भी नहीं आएगा आपकी गाड़ी में। नहीं, सर्विस हुई है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। पेड सर्विस कराई अभी तक कोई? पेड नहीं हुई है। पेड नहीं हुई ना? नहीं नहीं। वैसे कंपनी का अगर मैं बिहेवियर जानूं रॉयल एनफील्ड का, बहुत अच्छा है। वो कैसा है? मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि मैं 2007 से ही इलेक्ट्रा भी रखी है, 2000 में इसमें स्टैंडर्ड भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। तो उनका व्यवहार तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जानूं, या कुछ पार्ट टूट जाता है, कुछ लेने जाओ? थोड़ा सा इसका भी पार्ट कम है। कम है? हाँ, क्योंकि गाड़ी ज्यादा मतलब आ ही जाते हैं। कम दो तीन दिन की वेटिंग है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। एक हफ्ता बहुत ज्यादा हो गया, मतलब दो तीन दिन में आ जाती है, आ ही जाएगा। चलो, पार्ट्स ऐसा लगता है कि महंगे हैं, लाइक अगर हमने इसका, बहुत सस्ते पार्ट हैं, सस्ते हैं बहुत सस्ते। क्लच वगैरह 150-200 का, डिस्पैड 200-300 के अंदर में। ये तो बहुत सही है। तो फिर अगर जो लोग R15 लेते हैं, या मान लो, क्योंकि R15 इससे महंगी है, वो 150 cc की है, MT15 इससे महंगी है, वो 150 cc की, तो लोग उनकी तरफ जाते हैं, उससे अच्छा तो इसकी तरफ जाओ। अब वो अपने ऊपर है, किसी को नहीं कह सकते, पर उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है उन दोनों के हिसाब से। MT तो वो तो कैंसिल, मेरे हिसाब से तो नहीं है, जीरो है। अगर आपको मैं 200,000 रुपये दूँ और ऑप्शन दूँ दोनों, हंटर पे जाओगे? अगर 200,000 रुपये लगा रहे हो, हाँ, तो प्लास्टिक बॉडी तो मतलब रॉयल इनफील्ड वाली बात आ गई भाई। हाँ, थोड़ा सा आपको हैवी भी है, आराम से, मतलब गियर का तो मजा ही अलग है। हाँ, इसमें तो ऐसा है कि अगर आप तीसरा गियर भी मार दोगे ना, तो कम करने की जरूरत नहीं है, चलती रहेगी गाड़ी अपनी। कोई पांच से चौथा कर लो, तीसरा कर लो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम गियर में लैग नहीं है। हाँ, लैग नहीं है, ये चीज़ आपको। अच्छा, सिटी में आप चलाते हो भाई? अभी तो डेली आपका कह सकते हो लोकल में ही चला रहे हो कुछ टाइम से, तो दिक्कत देती है लोकल में, क्योंकि ब्रेकर वगैरह? दिक्कत नहीं, इजी बिल्कुल। और फैमिली के लिए भी ठीक है? मक्खन की तरह, जब बच्चा है कोई भी चला ले। और एक तो सीट हाइट इसकी कम है ना, कम है। एक बार भाई बैठना, मेरी 5'7" हाइट है तो भाई के, तो और ऊपर से वेट भी तुम्हारा 100+ है। कितना है? 100+ है, तो भाई के लिए तो एकदम बढ़िया गाड़ी है। मतलब तो तुम्हें वगैरह दर्द वगैरह करता है जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हो ज्यादा? शुरू में थोड़ा सा हाथ में पेन हुआ था, कि इससे पहले स्टैंडर्ड चला तो उसका हैंडल यहाँ था। हाँ, ये तो थोड़ा सा नीचे है, अब स्पोर्टी टाइप का, अब ओके है, अब आप कोई दिक्कत नहीं है, भी चलोगे जबरदस्त। चलो, नेकेड नंगा। चलो एक बार भाई इसकी आवाज सुना दो, इसका आवाज के लोग बहुत ज्यादा दीवाने हैं हंटर के। और एंड में मैं बता भी दूंगा इस गाड़ी के बारे में एक चीज। इतनी अच्छी आवाज है, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगा करेगी। हाँ, ना परेशान करेगी, और आवाज भी बहुत अच्छा। बाकी थैंक यू टोनी भाई, आपने बहुत अच्छा अच्छा बताया अपनी गाड़ी के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।